हेलो एवरीवन, आई एम गौरव एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला। तो भाई आज का जो टॉपिक है इट इज फॉर क्लास 12th, द चैप्टर नेम इज ऑप्टिक्स और जो पार्ट हम पढ़ रहे हैं ऑप्टिक्स का वो है रे ऑप्टिक्स। ठीक है भाई, तो आज हम पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। लास्ट के दो वीडियो लेक्चर्स जो बनाए हैं उसमें मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ रिफ्लेक्शन के बारे में, इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर और इमेज फॉर्मेशन बाय टू प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड एट एन एंगल। तो ये सारी चीजें हमने कवर कर ली थी। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये आपके पास वेलोसिटी ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। इसमें क्या करना है भाई, आपको एक प्लेन मिरर दिया होगा, इसके बहुत सारे केसेस बनेंगे, तो आप पहले ध्यान से पूरी बात सुने और समझें। पहले केस में जो मिरर है इसको मैं मान रहा हूं रेस्ट में, है ना। तो नंबर फर्स्ट केस है मिरर इज एट रेस्ट। मिरर जो है आपका वो रेस्ट में है और मान लीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इसकी जो वेलोसिटी है ये है वी ओ एम वेक्टर। अब वी ओ एम वेक्टर का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ठीक है, अब इसके दो कंपोनेंट हम कर सकते हैं, एक तो परपेंडिकुलर टू मिरर, है ना, इसको हम बोलेंगे वी ओ एम वेक्टर, परपेंडिकुलर का सिंबल बना दिया मैंने यहां पर। ठीक है, और एक हमने कर दिया पैरेलल टू मिरर, वी ओ एम वेक्टर पैरेलल। तो क्या पाओगे आप कि जो आपकी इमेज है उसकी जो वेलोसिटी आएगी उसका जो कंपोनेंट है परपेंडिकुलर टू मिरर, यानी मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है इमेज की वेलोसिटी का, जिसको हम बोलेंगे वी आई एम वेक्टर परपेंडिकुलर टू मिरर, है ना, एम चाहो तो आप लिख सकते हो। और एक आएगा पैरेलल टू मिरर, V I M वेक्टर पैरेलल। इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा, इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो आपका हो जाएगा नेट वेलोसिटी ऑफ इमेज, जिसको हम बोलेंगे V I M वेक्टर। तो हमें क्या दिखता है कि भाई जो परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है ना उसमें क्या हुआ है, वैल्यू दोनों की सेम है, बस डायरेक्शन का फर्क है। और जो पैरेलल कंपोनेंट था वो दोनों का सेम रहेगा एज इट इज, डायरेक्शन में भी कोई चेंज नहीं आएगा और वैल्यू में भी कोई चेंज नहीं आएगा। अब समझिए, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है आपकी, वो टुवार्ड्स मिरर चलती है उसके प्लेन के परपेंडिकुलर, तो उसकी इमेज भी उसके प्लेन के परपेंडिकुलर टुवार्ड्स मिरर ही चलती है, मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट। और हम जानते हैं जो डिस्टेंस होती है मिरर से ऑब्जेक्ट की उतनी हमेशा इमेज की रहती है, तो जो स्पीड है वो भी क्या रहती है, सेम, डायरेक्शन का फर्क होता बस। और अगर आप पैरेलल मूव करते हो तो इमेज और ऑब्जेक्ट साथ साथ चलेंगी एक ही स्पीड से और एक ही डायरेक्शन में, यानी पैरेलल प्लेन के पैरेलल जो भी कंपोनेंट रहेगा, मिरर के प्लेन के पैरेलल जो भी कंपोनेंट रहेगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ना तो वैल्यू में ना डायरेक्शन में। चेंज आएगा तो सिर्फ उस कॉम्पोनेंट में जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मिरर है, और सिर्फ उसकी डायरेक्शन बदलेगी, वैल्यू में तो उसमें भी कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो इसको मैं अलग तरीके से आपको समझाता हूं, केस फर्स्ट आपके समझ आ गया, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, कंपोनेंट्स अलोंग परपेंडिकुलर टू, ये परपेंडिकुलर का सिंबल बना दिया मैंने, ठीक है भाई, ये परपेंडिकुलर का सिंबल बना हुआ है परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ मिरर, तो इसमें क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू मिरर उसकी जो वेलोसिटी है परपेंडिकुलर टू मिरर वो इक्वल होती है, इमेज के लिए निकालनी है तो इमेज लिखते हैं इस तरफ, ठीक है, वो इक्वल होती है माइनस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ मिरर। माइनस लग जाता है, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो वेक्टर हमने लगा दिया इस पर,
ठीक है। तो जो भी कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मिरर होगा वो तो हो जाएगा एक दूसरे के वैल्यू में तो इक्वल आएगा, डायरेक्शन में अपोजिट, इसलिए माइनस लग गया है। और जो कंपोनेंट पैरेलल था टू मिरर वो कैसे निकलेगा भाई, तो वो आ जाएगा वी आई एम वेक्टर पैरेलल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, वी ओ एम वेक्टर पैरेलल। इसमें ना तो डायरेक्शन बदलेगी ना ही वैल्यू बदलेगी, तो टोटल वी आई एम क्या आ जाएगा, इमेज और सॉरी वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर जो आएगी आपकी टोटल वो क्या आ जाएगी भाई, वी आई एम परपेंडिकुलर वेक्टर प्लस वी आई एम पैरेलल वेक्टर। पैरेलल और परपेंडिकुलर किसके हैं, ये पैरेलल और परपेंडिकुलर है मिरर के। तो इस तरह से आपको वेलोसिटी निकालनी होगी, क्लियर होगी बात। जब आपका जो मिरर है वो रेस्ट में रहेगा तो आपके पास ये कंडीशन बनती है जो मैंने आपको अभी के अभी समझा दी, क्लियर होगी बात। तो ये जो वेलोसिटी है अपनी, ये इमेज की वेलोसिटी है किसके रिस्पेक्ट में, मिरर के रिस्पेक्ट में। वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर या गया आपके पास। अब हम वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट निकालेंगे, आपका केस वही रहेगा मिरर आपका रेस्ट में ही है, मिरर जो है आपका वो रेस्ट में ही है, ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसी केस फर्स्ट में, ओहो चलिए मिटा दे कोई बात नहीं, इसी केस फर्स्ट में हम बात करेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ये जो निकाली थी मैंने वो वेलोसिटी ऑफ इमेज थी विद रिस्पेक्ट टू मिरर, अब हम बात कर लेते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें भी आपका नंबर फर्स्ट आएगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, परपेंडिकुलर का मतलब हो गया किसके परपेंडिकुलर, प्लेन के, मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट आएगा वो क्या रहेगा। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा था परपेंडिकुलर कंपोनेंट में क्या था भाई, दोनों की जो डायरेक्शन थी वो क्या थी, जस्ट अपोजिट। इसको मिटा देता हूं, इसकी जरूरत तो है नहीं। अगर मिरर के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो मिरर चूंकि रुका हुआ है तो उस केस में दोनों ही जो इमेज की वेलोसिटी थी और जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मिरर वो एक दूसरे के अपोजिट और इक्वल थे वैल्यू में। तो अगर हम फिर से देखें ध्यान से, तो यहां पर जो कंपोनेंट आएगा वेलोसिटी का, ये मान लीजिए मिरर है आपके पास, ये है ऑब्जेक्ट, यहां पर जो कंपोनेंट है जिसको हम बोलते हैं वी ओ एम वेक्टर इस तरह से था, और यहां पर जो इमेज बनती है उसका जो कंपोनेंट आता है जिसको हम बोलते हैं वी आई एम वेक्टर परपेंडिकुलर, दोनों सेम थे वैल्यू में, डायरेक्शन में थे अपोजिट। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है वी आई ओ वेक्टर किसके परपेंडिकुलर टू मिरर, परपेंडिकुलर टू मिरर। आई ओ का मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट है ये, तो इसके लिए क्या करोगे आप, जैसे हम फॉर्मूला जानते हैं, आपके पास फॉर्मूला होता है, आपको निकालना है मान लीजिए वी वन टू वैक्टर, तो यह आ जाएगा आपके पास वी वन वैक्टर माइनस वी टू वैक्टर। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड आपके पास जो आएगा वो आएगा वेलोसिटी ऑफ वी वन माइनस वेलोसिटी ऑफ वी टू, और वैक्टर फॉर्म में करते हैं ये, जो माइनस करते हैं ये वैक्टर फॉर्म में करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस फॉर्मूले का अगर हम इस्तेमाल करते हैं यहां पर, यहां क्या हो जाएगा भाई, खुद की वेलोसिटी, अब देखिए m तो क्या आपका रुका हुआ है ना, तो m किस में है भाई, रेस्ट में है। अगर m रेस्ट में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसी के रिस्पेक्ट में ले लो, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होती है v1 वेक्टर जो होती है, जैसे मैंने बोला v1 2 वेक्टर, तो यहां पर आएगा आपके पास v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर। अब ये v1 वेक्टर किसके रिस्पेक्ट में, रुके हुए फ्रेम के रिस्पेक्ट, मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो मिरर भी तो रुका हुआ है एक तरह से, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो आएगी वही तो मिरर के रिस्पेक्ट में भी आएगी, क्योंकि मिरर क्या है, रुका हुआ है।
यहां पर आ जाएगा आपके पास वी आई एम वेक्टर माइनस वी ओ एम वेक्टर, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर। समझ आगे बात। अब हम जानते हैं जो अपने पास होता है वी आई एम वेक्टर, ये होता है माइनस वी ओ एम वेक्टर के, और एक माइनस वी ओ एम वेक्टर पहले से दे रखा है परपेंडिकुलर, और यहां भी दे रखा है पहले से परपेंडिकुलर। क्यों रीजन देते हैं, हम जानते हैं वी आई एम वेक्टर जो होता है परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ मिरर, वो होता है माइनस वी ओ एम वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ मिरर। तो उसकी हेल्प से मैंने इसे इग्नोर कर दिया, इसको हटा के रिप्लेस करके ये लिख दिया है, तो इसके प्लेस पे ये लिख दिया मैंने यहां पे, ठीक है। तो यहां से जो आपका वी आई ओ है वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ मिरर, वो क्या जाएगा भाई, वो आ जाएगा आपके पास माइनस टू वी ओ एम वेक्टर, इस तरह से, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट, सॉरी वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट जो आपके पास आएगी वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के बराबर होगी जो मिरर के रिस्पेक्ट में है, दोगुने के बराबर, उसके बराबर नहीं। और डायरेक्शन क्या रहेगी, अपोजिट। तो इसकी वैल्यू के डबल के बराबर वैल्यू आएगी इसकी, और डायरेक्शन क्या रहेगी भाई, अपोजिट रहेगी। तो वेक्टर फॉर्म में अपने पास ये आंसर आ गया। अब हम बात करते हैं पैरेलल कंपोनेंट की, अभी तो हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट की है ना, अब हम बात कर लेते हैं पैरेलल कंपोनेंट की, जिसको यहां से इरेज करता हूं, नंबर सेकंड पार्ट ले लेता हूं, ठीक है। तो पार्ट हो गया सेकंड पैरेलल कंपोनेंट, तो पैरेलल कंपोनेंट ये पैरेलल का सिंबल हो गया, ठीक है, पैरेलल का सिंबल है। यहां पर भी हम क्या कर देंगे भाई, पैरेलल कर देंगे, यहां कर देंगे पैरेलल, यहां भी कर देंगे पैरेलल, और यहां भी कर देंगे भाई पैरेलल। अब आप ध्यान से देखो तो हम जानते हैं जो पैरेलल कंपोनेंट आते हैं इस तरह से आएंगे, ये आ जाएगा वी ओ एम पैरेलल वेक्टर, पैरेलल किसके, प्लेन ऑफ मिरर के, ये आ जाएगा वी आई एम वेक्टर पैरेलल टू द मिरर। दोनों डायरेक्शन में भी सेम होते हैं और वैल्यू में भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इस बार क्या आएगा, यहां पर इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है, ये माइनस प्लस बन जाएगा, यहां पर आंसर आ जाएगा जीरो। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं जो पैरेलल वेक्टर पैरेलल कंपोनेंट आते हैं वो वैल्यू और डायरेक्शन दोनों में ही क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं, इस तरह से। तो इस बार प्लस आएगा, वी आई एम पैरेलल सीधे प्लस वी ओ एम पैरेलल के बराबर थी, यहां लगा दो पैरेलल, यहां लगा दो पैरेलल, और यहां भी लगा दो पैरेलल, तो आंसर क्या आ जाएगा भैया, जीरो। यानी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज की जो वेलोसिटी है पैरेलल टू द प्लेन ऑफ मिरर वो जीरो आएगी, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मिरर वो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी थी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मिरर उसके डबल के बराबर आएगी विद रिस्पेक्ट टू मिरर। जो वेलोसिटी थी ऑब्जेक्ट की विद रिस्पेक्ट टू मिरर उसके डबल के बराबर आएगी वी आई ओ विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इमेज की स्पीड, ठीक है। तो पैरेलल में जीरो आ गई और परपेंडिकुलर में डबल आ गई। अब आपको नेट निकालना, दोनों का सम कर देना, आपने अलग अलग पढ़ लिया। अब आपको भाई अगर नेट चाहिए तो नेट कैसे निकालोगे आप, नेट कैसे निकालोगे यहां पर, तो नेट आ जाएगी आपकी इस तरह से, है ना, इसकी। तो ये जो वेलोसिटी आएगी अपने पास नेट वेलोसिटी वी आई ओ वेक्टर, ये आ जाएगा आपके पास वी आई ओ वेक्टर परपेंडिकुलर प्लस वी आई ओ वेक्टर पैरेलल, पैरेलल और परपेंडिकुलर में कर रहा हूं प्लेन के लिए किसके, मिरर के, ये बात ध्यान रखिए, बार बार मैं बोल रहा हूं, चाहो तो आप यहां एम और एम लिख सकते हो, ठीक है। तो भैया इस तरह से ये बातें हमने सीख ली, जो वेलोसिटी ऑफ इमेज होती है विद रिस्पेक्ट टू मिरर और विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट कैसे कैसे निकाली जाती है। तो ये तो फॉर्मूले थे, फॉर्मूले को समझ लिया है आपने तो न्यूमेरिकल आप बहुत इजीली कर सकते हो, कुछ खास करना ही नहीं है उसमें, तो देखें कैसे करने हैं अपने को न्यूमेरिकल, ठीक है भाई, चलिए देखते हैं। फिर हम इस मिरर को चलाकर देखेंगे, मिरर को चलाने पर क्या आती है वेलोसिटी वो भी देखना, अभी तो मिरर रेस्ट में था, केस नंबर सेकंड पे पढ़ेंगे इसके बाद हम, ठीक है। तो पहले हम इस पे दो एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, फिर केस नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। चलिए देखते हैं, तो आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं। अपने पास एक प्लेन मिरर है जो कि आपका है रेस्ट में,
ठीक है। और प्लेन मिरर जो है उसका जो प्लेन है इसका नाम एम है, लाई इन प्लेन वाई जेड, यानी जो इसका प्लेन है वो वाई जेड प्लेन है, इस तरह से ऐसे रखा हुआ है मिरर आपके सामने या साथ में। ये होगी मान लीजिए आपके पास जेड और ये होगी आपके पास वाई और एक्स आपकी ये है, ठीक है भाई। इस तरह से अपने पास एक मिरर रखा हुआ है सामने मेरे, इस तरह से, ठीक है। यहां पर कोई ऑब्जेक्ट थी और उस ऑब्जेक्ट ओ की जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू मिरर ये आपको दे रखी है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप, इस तरह से इसकी वेलोसिटी हमें दे रखी है, ठीक है भाई, अच्छी बात है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर एंड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ये है आपका क्वेश्चन। ये क्या है भाई, क्वेश्चन हो गया हमारे पास। चलिए देखते हैं क्या करना है इसमें। अब आप क्या करोगे इसमें, सॉल्यूशन देखो। अब अगर वाई जेड प्लेन है आपके मिरर का तो उस केस में जो मिरर के परपेंडिकुलर लाइन आएगी वो आएगी सिर्फ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ मिरर एंड y and z axis axis are parallel to plane of mirror। तो जो भी axis parallel होंगी उनके along जो component है वो नहीं बदलेंगे, ना तो direction में ना value में, बदलेगा सिर्फ और सिर्फ आपका जो है component जो कि perpendicular है किसके, प्लेन ऑफ मिरर के, वो बदलेगा डायरेक्शन में, वैल्यू आप उसकी भी वही रहेगी। तो यहां पर हम सीधे लिख सकते हैं भाई, अपने पास जो फॉर्मूला था उसमें क्या था, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर अलोंग एक्स एक्सिस, चूंकि एक्स परपेंडिकुलर एक्सिस है तो उसके अलोंग जो भी कॉम्पोनेंट था उसकी डायरेक्शन क्या होगी भाई, बदल जाएगी इस तरह से along x, तो आ जाएगा आपके पास माइनस थ्री आई कैप, इसकी वैल्यू थ्री आई कैप थी और माइनस लगा हुआ है, ठीक है। एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर along y अगर हम करते तो सेम आएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर जो along y था, क्योंकि पैरेलल है, ठीक है, क्या है पैरेलल, तो इसका आंसर सीधे सीधे क्या जाएगा 2j कैप। पर ऐसे ही अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर अलोंग जेड एक्सिस तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर अलोंग जेड एक्सिस आ जाएगा, ये भी पैरेलल कंपोनेंट है। इसमें दो देखिए प्लेन के तो एक डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर, तो प्लेन अगर वाई जेड है तो उस केस में क्या आ जाएगा आपके पास, सीधे सीधे जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा वो आ जाएगा एक्स के अलोंग वाला, बाकी दोनों हो जाएंगे पैरेलल। तो VIM वेक्टर along Z आपके पास आ गया सीधे सीधे माइनस फाइव के कैप, अरे इसकी वैल्यू थी ना ये माइनस फाइव के कैप, ये हो गया आपके पास VOM Z, ये VOM Y और ये VOM X वेक्टर फॉर्म में सारे। तो अब हमारे पास जो नेट वेलोसिटी आएगी किसकी, नेट वेलोसिटी जो आएगी इमेज की विद रिस्पेक्ट टू मिरर, फिर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में निकालना है विद रिस्पेक्ट टू मिरर, वो कितनी आ जाएगी इन तीनों का सम। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर करते हैं वेक्टर फॉर्म में तो आपका आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर अलोंग एक्स एक्सिस, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर अलोंग वाई एक्सिस, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर अलोंग जेड एक्सिस। तो ये आ गया माइनस थ्री आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस फाइव के कैप आपका हो गया आंसर,
अब इतना लिखने की जरूरत नहीं है, अगली बार आप सीधे चेंज कर देना, जो भी डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो उसका साइन बदल के देना, बाकी दोनों कंपोनेंट एज इट इज कर देना, वैल्यू में भी और डायरेक्शन में भी इसका साइन चेंज करना, बाकी दोनों सेम लिखने, सीधे भी आप आंसर निकाल के लिख सकते हो। तो फिर आपको समझाने के लिए लिख दिया है, आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आपको डायरेक्ट ये आंसर लिख देना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, नाउ वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस देखा जाए, माइनस डबल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर अलोंग एक्स एक्सिस। मैंने बताया था ना फॉर्मूला कि ऑब्जेक्ट की स्पीड जो मिरर के रिस्पेक्ट में होती है उसके दोगुने के बराबर आती है इमेज की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर है उसके लिए, और डायरेक्शन क्या जाती है माइनस। तो कितना जाएगा सीधे सीधे आपके पास माइनस टू इंटू थ्री आई कैप, तो यह जाएगा माइनस सिक्स आई कैप। और बाकी दोनों जो कंपोनेंट आएंगे जो पैरेलल कंपोनेंट है वो हमेशा जीरो आते हैं, मैंने आपको बता दिया था अभी, तो यहां पे आ जाएगा जीरो, और जो वी आई ओ वेक्टर है अलोंग जेड वो भी क्या जाएगा जीरो, क्योंकि जो कंपोनेंट पैरेलल रहते हैं मिरर के उसमें जीरो आंसर आता है अगर विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट निकालते हैं हम इमेज की वेलोसिटी। तो भैया ये आंसर क्या जाएगा, एक तो आंसर ये आ गया आपके पास, और जो अगला आंसर है वो आपका आ जाएगा सीधे सीधे माइनस सिक्स आई कैप। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट जो आएगी वो आ जाएगी माइनस सिक्स आई कैप। एक आंसर आपके पास ही हो गया और एक आंसर आपके पास ही हो गया, ठीक है। तो ये थी पूरी कहानी, वेलोसिटी आपको निकालनी है अगर किसकी इमेज की विद रिस्पेक्ट टू मिरर, जबकि मिरर आपका रुका हुआ है, तो उसके लिए इस तरह सॉल्व करना होता है। तो पूरी बात जो भी पॉसिबल थी मैंने सारी आपको बता दिया, अब आप कोई भी न्यूमेरिकल यहाँ पे फंसने वाले नहीं है, ठीक है। आई जे के क्या आपके फॉर्म में तो भी अच्छी बात है, वरना वो बोलेगा परपेंडिकुलर है वेलोसिटी या फिर पैरेलल है वेलोसिटी, आप इजीली कर पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। तो भाई एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं इसी पर, फिर बढ़ते हैं आगे, क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ चलते हैं भाई, नेक्स्ट टॉपिक में अभी एक और क्वेश्चन करते हैं पहले इसी टॉपिक पर, फिर हम बताते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक आगे वाला क्या है। अब आपके पास एक न्यूमेरिकल है, उसमें क्या है आपके पास मिरर जो दे रखा है वो एक्स जेड प्लेन में है, मिरर किस में है एक्स जेड प्लेन में है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है आपके पास ओ जिसकी वेलोसिटी दे रखी है विद रिस्पेक्ट टू मिरर आपको टू आई कैप माइनस फाइव जे कैप प्लस के कैप, इस तरह से दे रखी है, ठीक है। तो अब हम कर लेते हैं भाई, हमें क्या क्या निकालना है, एक तो निकालना है वी आई एम वेक्टर, एक हमें निकालना है वी आई ओ वेक्टर। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट निकालनी है। चलिए भाई देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले तो आप ये देखो जो प्लेन है मिरर का उसके परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सी है, तो एक्स जेड प्लेन मतलब वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस क्या है आपके पास परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ मिरर, एंड X and Z axis are parallel to plane of mirror. Parallel to plane of mirror. ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो हमें पता है जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर है उसकी जो वेलोसिटी है उसमें लगता है माइनस जब हम निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है। चलिए देखते हैं तो कैसे करना है। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर अलोंग एक्स करेंगे तो एक्स तो पैरेलल है तो सेम रहेगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर अलोंग एक्स के, एक्स है क्या टू आई के, तो सेम रहेगा।
और जब हम करेंगे वी आई एम वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, चूंकि वाई परपेंडिकुलर है तो वाई वाला जो कॉम्पोनेंट है उसमें माइनस लग जाएगा, तो माइनस और माइनस फाइव जे कैप आपके पास हो जाएगा प्लस फाइव जे कैप। और अगर हम बात करते हैं किसकी, वी आई एम वेक्टर अलोंग ये आपके पास आ जाएगा के कैप, इस तरह से। तो टू आई कैप प्लस फाइव जे कैप प्लस के कैप आपका जो है वो आंसर आ जाएगा किसका, वी आई एम वेक्टर का। तो वी आई एम वेक्टर आपके पास आ जाएगा, एक तो एक्स के लोग तो टू आई कैप, वाई के लोग देखा तो प्लस फाइव जे कैप, और जेड के लोग देखा तो हमने प्लस के कैप। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था जो कॉम्पोनेंट परपेंडिकुलर है वही बदलेगा, तो साइन इसका बदल दिया मैंने, बाकी सेम लिख दिया। अब अगर हम बात कर लेते हैं किसकी, वी आई ओ वेक्टर अलोंग एक्स, जीरो आया क्यों, पैरेलल है, वी आई ओ अलोंग वाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस वी ओ एम अलोंग वाई, माइनस डबल भी होना है, डबल भी तो होना है, तो डबल भी करना पड़ेगा आपको, है ना। तो अब इसका आंसर क्या आ जाएगा देख लो आप एक बार, ये तो आंसर हो गया, इसको नोट कर लेंगे। या जगह आपके पास डबल करने का मतलब हो गया माइनस था पहले से तो टेन आ जाएगा, है ना, प्लस टेन जे कैप। एंड वी आई ओ वेक्टर अलोंग जेड करेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा, जीरो। तो इस कंडीशन में वी आई ओ वेक्टर जो आपके पास आएगा वो क्या आ जाएगा, प्लस टेन जे कैप, ये लो आंसर। दैट्स इट, वैल्यू निकालनी है तो आप बहुत इजीली वैल्यू भी निकाल सकते हो, ठीक है, वेक्टर आपको इतना तो आता ही होगा। चलिए तो अब केस नंबर सेकेंड देखते हैं जहां पर मिरर भी मूव कर रहा होगा, जहां पर आपका जो मिरर है वो भी क्या कर रहा होगा भाई, वो भी मूव कर रहा होगा, है ना। तो केस नंबर सेकेंड लेके उसमें भी हम यही कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया है यही आपको लगाना है और समझना भी है, ठीक है भाई। तो केस नंबर सेकेंड ले लेते हैं इसमें, व्हेन मिरर इज मूविंग, ठीक है। मान लीजिए आपके पास ये मिरर है और इसकी वेलोसिटी आपको दे रखी है वीएम वेक्टर। अभी वीएम वेक्टर का मतलब है केवल, वीएम वेक्टर का मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, आपको ध्यान रखनी बात, किसके रिस्पेक्ट में भाई, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, क्लियर होगी बात। और जो ऑब्जेक्ट है इसकी वेलोसिटी आपको दे रखी है वीओ वेक्टर, वीओ वेक्टर का मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, जब कुछ नहीं लगा होता इसका मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होता है, इतना तो आपके पास कॉमन सेंस होगा ही, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में थी, से मैं डायरेक्शन नहीं बताया, किस तरफ डायरेक्शन है पता नहीं। तो अब देखते हैं क्या कंडीशन बनेगी, इस केस में पहले आपको VOM वेक्टर निकालना पड़ेगा, है ना। हम बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज, नंबर ए वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है। तो इसमें भी नंबर फर्स्ट होता है वही, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, परपेंडिकुलर टू मिरर करना है आपको पहले, ठीक है, परपेंडिकुलर टू मिरर, ये इमेज है, ये परपेंडिकुलर का सिंबल बना दिया मैंने, आप समझ गए होंगे पिछली बार मैंने आपको ऐसे ही बनाकर बताया था। यहां पर क्या था, हम जानते हैं माइनस वी ओ एम वेक्टर आता है परपेंडिकुलर टू मिरर, इसमें आप क्या करोगे, अब भाई वी ओ एम वेक्टर करना है वो भी परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ मिरर करना है,
इस केस में क्या करा जाएगा भाई, हम जानते हैं वी ओ एम वेक्टर निकालना है, क्या आ जाएगा आपके पास वी ओ वेक्टर माइनस वी एम वेक्टर। परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ मिरर, इनके आपको सिर्फ वही कंपोनेंट लेने हैं जो वी ओ वेक्टर पूरा नहीं लेना है आपको, यहां पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है आपको, ठीक है। इस तरह से माइनस ये आपके पास आ जाएगा इस बार वी आई एम वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ मिरर। मैं आपको क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा समझाऊंगा अभी, ये तो पहली बात होगी। बाकी दूसरी बात होंगी जिनमें आपका कंपोनेंट जो रहेगा पैरेलल वो सीधे सीधे बराबर होता है वी ओ एम माइनस, बाहर भी लगा इसमें, ठीक है भाई, पैरेलल के यहां पर सीधे सीधे आपके पास आ जाएगा वी ओ वेक्टर पैरेलल टू प्लेन ऑफ मिरर माइनस वी एम वेक्टर पैरेलल टू प्लेन ऑफ मिरर, ये आपके पास आ जाएगा वी आई एम वेक्टर। जो क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूं इनके बेसिस पे आप फिर आप किसी भी लेवल का क्वेश्चन कर डालोगे, जो भी वेलोसिटी आप किसी भी डायरेक्शन में, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप किसी भी डायरेक्शन में दे रखे आप इजिली निकाल पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी इसमें, ठीक है। वरना नॉर्मली ऐसे बता देते हैं कि भैया जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो मिरर के रिस्पेक्ट में सेम रहती है, ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है मिरर के रिस्पेक्ट में और इमेज की जो स्पीड है मिरर के रिस्पेक्ट में वो सेम रहती है। पर ये बताया कि कब सेम रहती है, कब सेम रहेगी जब वो पैरेलल होंगे, और परपेंडिकुलर में क्या रहेगी वेलोसिटी डायरेक्शन क्या हो जाएगी अपोजिट और वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। तो पूरी बात सीखनी है आपको, चलिए तो आगे बढ़ सकते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हाँ बस दो ही पार्ट है इसका तो खत्म कर ली। अब ऐसे ही हम बात कर लेते हैं बी पार्ट की, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट अगर हम करते हैं तो ये क्या आ जाएगा भाई, इस केस में आ जाएगा आपके पास वी आई ओ वेक्टर, क्या जाएगा ये वी आई ओ वेक्टर। इसे कैसे करोगे, एक तो भाई परपेंडिकुलर नंबर फर्स्ट, इसमें भी इसमें परपेंडिकुलर तो कैसे करना है हम जानते हैं, हम यहां पर आ जाएगा वी आई एम वेक्टर माइनस वी ओ एम वेक्टर परपेंडिकुलर टू मिरर। ये फॉर्मूला हम पीछे पढ़ चुके हैं, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आप अलग से फॉर्मूला अप्लाई नहीं करोगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वी आई एम वेक्टर परपेंडिकुलर टू ये आप निकाल चुके थे, देखो तो इसको पुट करो जरा यहां पे, तो माइनस वी ओ वेक्टर परपेंडिकुलर टू मिरर माइनस वी एम वेक्टर परपेंडिकुलर टू मिरर। वी एम वेक्टर क्या है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, वी ओ वेक्टर क्या है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट और मिरर की स्पीड रिस्पेक्टिवली। वी ओ एम क्या आ जाएगा भाई, वी ओ वेक्टर परपेंडिकुलर माइनस वी एम वेक्टर परपेंडिकुलर, तो माइनस माइनस ये तो आपस में क्या है कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा आपके पास माइनस टू वी ओ वेक्टर परपेंडिकुलर। ठीक है भाई, वी ओ एम की वैल्यू आ जाएगी वी ओ वेक्टर माइनस वी एम वेक्टर, और वी आई एम क्या आप निकाल चुके, देखिए ये निकाली थी आपने, ये तो निकाली थी वी आई एम, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या जाएगा, ये माइनस है ना, एक मिनट रुकिए, कटेगा नहीं वीएम से वीएम कटेगा नहीं, ये माइनस प्लस और ये माइनस और ये माइनस भी क्या जाएगा प्लस आ जाएगा ना, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस टू वी एम वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ मिरर, ये आएगा आपके पास आंसर है ना, कटेगा नहीं, ये माइनस प्लस ये माइनस प्लस, ये दोनों प्लस के बन जाएंगे और ये दोनों माइनस के रह जाएंगे, तो आगे लिख दिया माइनस प्लस लिख दिया टू बी एम, तो ये आ गया आपके पास आंसर परपेंडिकुलर का। और अगर हम ऐसे ही निकालते हैं पैरेलल का नंबर सेकेंड केस में, वी आई ओ वेक्टर पैरेलल आप करोगे तो आप सीधे लिखा डायरेक्ट में कितना आएगा वो हम जानते हैं,
वी आई ओ वेक्टर पैरेलल करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा वी आई ओ वेक्टर पैरेलल मिरर आता है ना सिगर और माइनस वी ओ मिरर पैरेलल। अब क्या आ जाएगा अपने हिसाब से देख लो, वी आई एम पैरेलल क्या था, सेम था, वी आई एम पैरेलल वी ओ एम पैरेलल के सेम है, दोनों बराबर है तो आपस में कट जाएंगे, जीरो आंसर आ जाएगा इसका। क्या आ जाएगा भाई, जीरो। तो इस तरह से आपके पास ये पूरी बात समझा दी मैंने, परपेंडिकुलर की भी और पैरेलल की भी। अब कर लेते हैं इस पे एक न्यूमेरिकल ताकि आपको पूरी तरह से बात अच्छी तरह समझ में आ जाए। चलिए भाई तो एक न्यूमेरिकल पे ट्राई कर लेते हैं इसी बेसिस पर ताकि आपको पूरी बात बढ़िया तरह से समझ में आ जाए। जी आपके पास एक प्लेन मिरर है, इसका जो प्लेन है वो वाई जेड प्लेन है, एक ऑब्जेक्ट है आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करती है, ये आपके एक्स और वाई प्लेन है, ठीक है, ये आपके पास एक्स है, ये आपके पास वाई है, जेड आपका बाहर की तरफ है, ठीक है, इस तरह से। तो यहां पर y के रॉन्ग और ये हो गया आपके पास x, जो एंगल दे रखा है वो दे रखा है आपको 30 डिग्री फ्रॉम x, ठीक है, और जो मिरर है आपका वो भी मूव कर रहा है इसी तरह से 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऐसे x और y प्लेन में, है ना, कितने का एंगल बनाते हुए 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए। तो आपको बताना है क्या क्या, एक तो बतानी है v i m वेक्टर, एक v i o वेक्टर और एक सिर्फ v i वेक्टर। v i वेक्टर का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगर आपसे पूछता कि वेलोसिटी ऑफ इमेज बताइए तो आपको लास्ट वाली निकालनी पड़ती भाई, क्वेश्चन ऐसे दे दे तो ये किसकी वेलोसिटी है, ये ऑब्जेक्ट की, कौन सी वेलोसिटी है ये ऑब्जेक्ट की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, मैंने कहा था ना केवल व्यू दे रखा हो तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये मिरर की है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, आपको पूछता है वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालो, सिर्फ इतना क्वेश्चन होता तो आपको लास्ट वाला निकालना पड़ता ही है, ऐसे बोलता वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर निकालो तो आपको पहला निकालना है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट निकालो तो ये निकालना है, वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालो तो लास्ट वाला निकालना है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इमेज अंडरस्टूड है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पूछी जा रही है, जब विद रिस्पेक्ट टू नहीं बोलता इसका मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पूछी जा रही है बात। चलिए तो देखते हैं आगे किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो हम जानते हैं यहां पर जो एक्स है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है एम में, सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका, है x एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ मिरर, भाई बहुत अच्छी बात है। तो अब आप देखो जैसे कि मैंने सिखाया था आपको, आपको वही करना है, कुछ खास नहीं करना है इसमें, तो सबसे पहले हम करेंगे v i m वेक्टर, ये निकालने वाले हैं फर्स्ट वाला जो है ना, ये आपके पास आ जाएगा v i m वेक्टर अलोंग x प्लस वी आई एम वेक्टर अलोंग वाई, ठीक है, तो भैया एक्स क्रम हम जानते हैं जो कि एक्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन थी, तो यहां पर क्या आ जाएगा वी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर अलोंग एक्स, बस इसमें माइनस लग जाएगा, प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर अलोंग वाई, इसमें प्लस ही रहेगा क्योंकि तो सेम रहता है, x वाले में माइनस लगाना है, y वाला चूंकि पैरेलल था उसको सेम ही रखना है, बस इमेज को ऑब्जेक्ट बना देना, पीछे पड़ के आए थे ना, इमेज की जो वेलोसिटी होती है विद रिस्पेक्ट टू मिरर वो हमेशा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के बराबर होती है विद रिस्पेक्ट टू मिरर वैल्यू में, तो डायरेक्शन अपोजिट तब होती है जब परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ मिरर बात कर रहे हो और पैरेलल टू प्लेन ऑफ मिरर बात कर रहे हो तो डायरेक्शन भी सेम रहती है, भाई बहुत अच्छी बात है।
अब यहां पर अलोंग एक्स एक्सिस देखिए सिर्फ वीओ वेक्टर आ जाएगा, यहां पर वीओ वेक्टर अलोंग एक्स माइनस वीएम वेक्टर अलोंग एक्स। इसमें सिमिलरली वीओ वेक्टर अलोंग एक्स माइनस वीएम वेक्टर अलोंग एक्स, ओएम का मतलब ये पहले ये बाद में, एक्स एक्सिस के अलोंग इसलिए एक्स लिख रहा हूं ठीक है। केवल ओ का मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, तो केवल ओ देखो किस तरफ थी भाई, अगर ये टेन थी कितना आएगा टेन इंटू रूट थ्री बाई टू, ये कितना आएगा टेन इंटू साइन थर्टी वन बाई टू, ये कितना आएगा फाइव इंटू कॉस्ट रूट थ्री बाई टू, ये कितना आएगा फाइव इंटू वन बाई टू। क्लियर होगी बात, तो एक्स ग्राउंड देखो माइनस, ये तो प्लस आई कैप आ जाएगा, इसमें माइनस आई कैप लगा दो, इसमें प्लस जे कैप लगा दो और इसमें भी प्लस जे कैप लगा दो, दोनों ऊपर है ना। तो पहले इसको पुट कर लेते हैं, ये वीओ अलोंग एक्स एक्सिस दे रखी है तो ये आ जाएगा आपके पास फाइव रूट थ्री, फाइव रूट थ्री आई कैप। वीएम अलोंग एक्स देखो माइनस, तो माइनस ये और माइनस ये दोनों मिलकर हो जाएंगे प्लस, अरे ये माइनस दे रखा है और एक यहां पर तो माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस फाइव रूट थ्री बाई टू आई कैप। अब बात कर लेते हैं जे के लॉन्ग, दोनों प्लस में है जे और जे, ये फाइव है और वो फाइव बाई टू है, फाइव जे कैप माइनस फाइव बाई टू जे कैप इस तरह से। सॉरी यहां पर मैंने एक्स लिख दिया गलती से, वाई आएगा, ये वाई आएगा भाई, चेंज कर लेना, ये एक्स है और ये वाई और ये वाई है ठीक, गलती से मेरे से एक्स लिख गया था, ये वाई रहेगा। तो अब यहां कितना आ जाएगा, ये पूरा है ठीक है, तो थ्री आ जाएगा है ना, तो ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया हाफ, तो हो गया थ्री, तो थ्री इंटू फाइव रूट थ्री बाई टू है ना, तो फिफ्टीन रूट थ्री बाई टू आई कैप आ गया, फाइव टेन फाइव फिफ्टीन माइनस, और उधर देखते हैं तो ये आ जाएगा फाइव बाई टू जे कैप, ये आ गया भैया आपके पास वी आई एम वेक्टर, एक आंसर तो अपने पास आ गया, एक आंसर तो भैया अपने पास आ गया। क्लियर हो गई बात, चलिए अब पहले मैं थर्ड निकाल देता हूं ठीक है, वी आई ओ वेक्टर को थोड़ा होल्ड करते हैं, इसको पीछे निकालेंगे बाद में। तो पहला तो आ गया, अब थर्ड वाले की बात कर लेते हैं, वी आई वेक्टर क्या आएगा भाई, वी आई वेक्टर का मतलब हो गया आपका जो इमेज की स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अगर हम देखें इमेज की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू मिरर, तो वो ऐसे भी लिख सकते हैं उसको, इमेज की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस मिरर की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो आपका वी आई वेक्टर निकल आएगा। तो वी आई वेक्टर क्या आएगा, यहां से आपके पास वी आई वेक्टर आपके पास सीधे आ जाएगा वी आई एम वेक्टर प्लस वी एम वेक्टर। VIM आपने पहले निकाल दिया, अब प्लस कर देंगे VM वेक्टर, क्यों, आपके पास अगर हम देखें वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर देखा जाए, तो नॉर्मली जैसे ये तो हो गया आपका मिरर वाले कांसेप्ट से, जो VOM कर रहे थे वो अलग चीज थी, मैंने कहा जो VIM वेक्टर है वो VOM वेक्टर के बराबर होता है, वो एक अलग कांसेप्ट था, लेकिन हम जानते हैं अगर हम ऐसे करते हैं V1 2 वेक्टर तो ऐसे भी तो था V1 वेक्टर माइनस V2 वेक्टर, उस वाले कांसेप्ट से VIM इसके बराबर भी तो होना चाहिए, VIM इसके बराबर होता है वो अलग कहानी थी, यहां से तो निकाल दिया VIM आपका इसके बराबर भी तो होगा, इमेज की स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में और मिरर की स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, उन दोनों सबट्रैक्शन में तो इसके बराबर आना चाहिए है ना, जैसे हमने ये किया था VOM वाला किया है ना, VOM को ऐसे लिखा था, ऐसे हम VIM को भी लिख सकते हैं सिमिलरली इस तरह से। तो VIM वेक्टर आप निकाल चुके हो माइनस फिफ्टीन रूट थ्री आई कैप प्लस फाइव बाई टू जे कैप, ये फाइव लिखा हुआ है ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं वीएम वेक्टर की, तो वीएम वेक्टर क्या भैया आपके पास माइनस, सीधे माइनस लगा रहा हूं डायरेक्ट में ठीक है, माइनस फाइव रूट थ्री बाई टू आई कैप और प्लस फाइव बाई टू जे कैप। अब देखते हैं क्या आएगा, ये माइनस का है ये भी माइनस का है ठीक है, दोनों ऐड होंगे तो कितना आ जाएगा माइनस ट्वेंटी, तो टेन रूट थ्री माइनस टेन रूट थ्री आई कैप प्लस फाइव फाइव टेन जे कैप आ जाएगा। देखिए भाई एक बार 15 और 5 20 हो गया, 20 बाई 2 करेंगे तो 10 रूट 3 आई कैप और क्या जाएगा प्लस 10 जे कैप। भैया गलती हो गई, 5 बाई 2 कितना होगा 5 आएगा, ये
5/2 मिलके 5 आएगा ना, और ये दोनों मिलके देखने 15/5 20√3/2 ये सही है। ठीक है भाई, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो आप ध्यान से देख लिया करो अपने आप, ठीक है, मुझसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है छोटी मोटी, तो आप अपने आप ध्यान से देख लें, कंसेप्ट आप पकड़ लो, कंसेप्ट आपका ही रहने वाला है। तो वी आई वेक्टर निकाल दिया, वी आई एम वेक्टर निकाल दिया, अब बच गए कौन भाई, वी ओ एम वेक्टर, उसको भी देख लेते हैं एक बार, वी ओ एम वेक्टर क्यों जाने दें, उसको भी देखो, वी सॉरी वी ओ एम नहीं, वी आई ओ वेक्टर जो सेकंड था आपके पास है ना, हम जानते हैं वी आई ओ वेक्टर क्या आता है भैया, वी आई एम वेक्टर माइनस वी ओ एम वेक्टर, ये तो होता है फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा इसको भी हमें करना पड़ेगा एलोंग एक्स और एलोंग वाई, एक मिनट रुकें, पहले पूरा नहीं कर सकते एक साथ, पहले इसको एलोंग एक्स और वाई में तोड़ लेते हैं फिर करते हैं ना, तो वी आई ओ एलोंग एक्स, वी आई ओ एलोंग वाई कर लेते हैं, एलोंग एक्स और एलोंग वाई कर लेते हैं इसको भैया, समझ गए ना, एलोंग एक्स और एलोंग वाई, एलोंग एक्स क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन थी, यहां पर आ जाएगा माइनस 2 × VOM vector x, ठीक, ये आपका माइनस सेम ही रहेगा, तो यहां पर तो आपका जीरो आता है, अरे ये तो जीरो आएगा ना, खत्म कर, ये तो जीरो आएगा, वी आई ओ वैक्टर करूंगा तो वो क्या आएगा, जीरो, वो जीरो क्यों आएगा भाई, क्योंकि वो आपस में ही कैंसल हो जाते हैं, वी आई ओ वैक्टर अगर हम करते हैं तो ये आपका आ जाएगा वी ओ एम वैक्टर, वह आंसर क्या आएगा आप देख लो, आप वी ओ एम क्या था, वी ओ एम का मतलब हो जाएगा वी ओ वैक्टर माइनस वी एम वैक्टर एलोंग एक्स और एलोंग एक्स, ये तो जीरो हो चुका है, इसको हटा दो दिमाग से, चलो आगे कर लेते हैं। अब ये देखो जरा आप कि वी ओ वैक्टर एलोंग एक्स कितना था, 10√3/5√3 था भाई, कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए प्लीज आप ध्यान से देख लेना खुद, वी एम ये वी एम एलोंग एक्स तो माइनस 5/5√3/2 और इंटू आई कैप, ये 2 भी बाहर लिखा हुआ है, ठीक है, क्या जाएगा वी आई ओ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 2 × 5 = 15 2 × 5 = 10 और अच्छा माइनस में हो रहा है, ये माइनस था और यहां भी माइनस था, आपके प्लस भी तो करना है, ये माइनस और ये भी माइनस तो प्लस भी करो इसको, 2 × 5 = 10 और 5 = 15 15 √3/2 i कैप, ये आ जाएगा आपके पास 15√3 i कैप, ये हो गया आंसर, दैट्स इट। तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करने होते हैं वेलोसिटी के, मैंने जितने भी टफ से टफ क्वेश्चन थे सारे करवा दिए, आपके नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे तो आप इजीली कर पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस आपको ये ध्यान रखना है जो बेसिक चीजें मैंने आपको बताई है छोटी मोटी उनको आप ध्यान रखो, सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। चलिए बहुत अच्छी बात थी, अब एक छोटी सी और बात मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि प्लेन मिरर के बारे में, तो प्लेन मिरर के बारे में सारी बातें मैं अभी के अभी खत्म कर देता हूं ताकि आपको फिर बाद में दिक्कत नहीं आए समझने में और जानने में। लेंथ रिक्वायर्ड ऑफ प्लेन मिरर फॉर फुल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट एच ये आप एक बार इसका फिगर देख लें और आंसर याद कर लें कि भैया आधा किसी भी ऑब्जेक्ट की जो हाइट है उसकी आधी हाइट का अगर प्लेन ऑफ मिरर है तो ये आपकी फुल इमेज बना सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन कंडीशनल है, हमेशा नहीं बनाएगा, आपको किस तरह से रखना है वो आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है।
एच बाई टू लेंथ मिरर ऑफ कैन फॉर्म फुल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसकी हाइट एच है। कैसे, ये जरा आप देखो ध्यान से, तो इसका आंसर तो ये हो गया, ठीक है, आधी। अब इसका फिगर बना के मैं आपको समझाता हूं ऐसा क्यों हुआ, वो जरा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। मान लीजिए आपके पास जो है ये है, ये आपने नोट कर लिया, इसको मतलब ऊपर बनाना चाहता हूं, इसको मिटा देता हूं मैं ना, ये मान लीजिए आपके पास है कोई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, इसको आप आदमी मानो दिमाग में, क्या भैया आदमी है, और इसका ये तो हेड है, ये एक मैन है, यहां पर जो है उसकी आई है, इस तरह से सिर है उसके, यहां पर इसकी आई है, और ये उसका फुट है, पैर है, एच क्या है, ई क्या है, और F क्या है, फुट। मान लीजिए कोई आदमी खड़ा होकर अपने ही इमेज उसमें देखना चाहे मिरर में, तो उसको अपनी फुल इमेज कब दिखाई देगी, किस कंडीशन में, कम से कम क्या होनी चाहिए आपकी जो हाइट है वो, तो H बाई टू हाइट अगर कम से कम है मिरर की, तो ये आपकी इमेज बना सकता है, इससे कम पे नहीं बनेगी आपकी पूरी इमेज, तो कम से कम H बाई टू चाहिए चाहिए इमेज, वो भी कंडीशन के साथ, किस तरह से रखना है वो भी देखो आप ध्यान से। तो जो मिरर आपको रखना है ना, जैसे आपने मान लीजिए ये दूरी मान ली, इनके बीच की ये दूरी मान ली x, यहां पर जो दूरी है आपने वो मान ली y, क्या मान ली भाई y, मिरर आपको कैसे रखना है वो आप ध्यान से देखो, मिरर किस तरह से रखना पड़ेगा आपको, तो बिल्कुल मिड पॉइंट यहां पर लो, बिल्कुल मिड पॉइंट यहां पर लो, ये डिस्टेंस आपके कुछ भी उससे फर्क नहीं पड़ता, इस डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर ये जो मैं बता रहा हूं वो फिक्स करनी है आपको, इस तरह से आपको अपना मिरर रखना है, जैसे मैंने आपको बताया है ना। तो ये कितनी हो जाएगी भाई, ये आपके पास हो जाएगी x बाई टू, और नीचे क्या हो जाएगा y बाई टू, देखो ये जितनी y थी बिल्कुल आधे पे यहां पे लिया मैंने, ये क्या हो जाएगा आपके पास y बाई टू, और जितनी ये ले रखी है इसने इस जगह से, ये क्या हो जाएगी x बाई टू, यहां पर से आपके पास i, जहां पे मैंने पॉइंट बना रखा है वो i थी, इस तरह से रखना है आपको अपना मिरर। अब मिरर की हाइट क्या जाएगी देख लो आप, x बाई टू प्लस y बाई टू, x प्लस y तो किसके बराबर है, कैपिटल H के बराबर है ना पूरी हाइट, अच्छा कैपिटल मैंने हेड को मान लिया, तो आप ध्यान रखना हेड ये S लिख दिया, हाइट को स्मॉल एस से रिप्लेस कर लो, इसको स्मॉल एस कर लेते हैं, ठीक कोई दिक्कत बात कोई है, हेड को मैंने कैपिटल एस लिख दिया ना, इसलिए स्मॉल एस कर लो आप रिप्लेस, यहां पर स्मॉल एस क्या जाएगा एक्स प्लस वाई, और लेंथ ऑफ मिरर क्या आ जाएगी वो आ जाएगी एच बाई टू, एल जो है वो लेंथ ऑफ मिरर है, एल क्या है लेंथ ऑफ मिरर, तो एक्स बाई टू प्लस वाई बाई टू का मतलब एच बाई टू आ जाएगा आपके पास। अब देखते हैं इसे कैसे पूरी इमेज बनती है भाई, क्यों बनेगी पूरी इमेज वो भी समझना है हमको, है ना, चलिए ध्यान से देखते हैं। फुट जो अपने पास ये है हेड, इससे एक लाइट किरे निकल के जाएगी यहां पर, देखिए सामने, अगर यहां से मैं डाल देता हूं एक परपेंडिकुलर सामने, इस तरह से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, तो ये जो आएगी आपके पास लाइट की रे इस तरह से टकराएगी, और टकराने के बाद आंख पर वापस आ जाएगी इस तरह से लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से आपके पास आंख के पास क्या जाएगी वापस, सॉरी एरो उल्टी बना दी भाई, एरो सीधे इस तरह से टकराई और सेम एंगल बनेगा, क्योंकि दोनों हाइट सेम है, एक्स बाई टू इधर और एक्स बाई टू इधर, तो बिल्कुल ऐसे आ जाएगी आंख के पास एग्जैक्टली आपके पास ये आ जाएगी। और अगर मैं इसके एक्सटेंशन, मैंने कहा था कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो इसकी इमेज बनेगी वो सामने तो बनेगी भाई, जो हेड की इमेज बनेगी वो मिरर के एक्सटेंशन, मिरर को आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा समझने के लिए, तो एक लाइन अगर परपेंडिकुलर आती तो वैसे ही वापस लौट आती,
तो बिल्कुल सीध में यहां पर सामने एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पर आपका जो है हेड बनेगा एच डैश। अब हेड से ये जो राइट की आई है ना, ये वापस जब आप मिलाओगे तो हेड पे जाके मिलेगी, और अगर सीधी लाइन लेते तो यहां आकर मिलती, यानी जो एच की इमेज है वो बनती सामने एच डैश पर, और एच डैश से निकलकर जो रे है वो हमारी आंख तक आ रही है, हमें ऐसा लगेगा जो आंख के पास रे आ रही है उसको पीछे बढ़ाएंगे तो एच डैश पर, मतलब हमको एच डैश दिख रही है अपनी आंख में। ये तो बात हो गई, मेरी बात समझो पहले ध्यान से। आप मान लीजिए आपके पास ये मिरर है, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखी है तो सामने इमेज बनेगी इसकी एच डैश। अब ये एच डैश आपकी आई को कब दिखेगी, जब इससे राइट की रे निकलकर आपके आंख तक पहुंच पाए। अगर इससे राइट की रे या जो राइट की रे आपके पास आई थी वो पीछे बढ़ाते हुए एच डैश पर जाए तो ही आपको एच डैश दिखाई देगी, अदरवाइज आपको एच डैश दिखाई नहीं देगी। हालांकि बनेगी पर आपको दिखाई नहीं देगी। तो आई को देखने के लिए कंफर्म क्या होना चाहिए, जिस तरह से मैंने बनाया है इस तरह से आपके पास ये होनी चाहिए एच डैश, है ना। तो एच डैश से एक राइट की रे निकल कर आ रही है, मतलब बाकी सारी भी आई तक पहुंचेंगी, अगर एक पहुंच गई तो बाकी सारी भी पहुंचती है, कंफर्म बात, इसमें कोई दोराय नहीं है। तो इस आई को वो दिखना शुरू हो जाएगा हेड, मतलब आई को मेरा हेड दिख रहा है सामने मिरर में, ठीक है, मेरा मेरे आई के इस पे है, फिर भी मुझे उसमें हेड दिख जाएगा अपने अपने आप। इस तरह से आप सेट करना, आपको अपना हेड उसमें दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और सुनिए, अब अगर फुट से एक लाइट की रे जाती है इस तरह से तो वो भी आंख पर पहुंच जाएगी, क्योंकि वह भी वही सेम एंगल पर जाएगी, है ना। जो एंगल बनेगा इस तरह से, एक इंसिडेंट रे फुट से निकली और वो आई तक पहुंच जाएगी, इसको पीछे बढ़ाऊंगा तो फुट बिल्कुल सामने बनेगा मिरर में, ज्यादा ऊंची बन गई, बिल्कुल लेवल पे बनाना आप, ठीक है भाई, लेवल पे ही बनाना आप लोग। ये एफ डैश हो गया, एच डैश हो गया। अब देखिए जिस लाइन को मैंने ऊपर की तरफ भेजा था उसको पीछे बढ़ाता हूं तो वो बिल्कुल एफ डैश पर आकर एग्जैक्टली मिलेगी। तो आपकी जो दिख रही है आपको ये इमेज है, ये क्या है भाई, इमेज। अब इमेज का जो हेड है वो भी आपको दिख रहा है, इमेज का जो फुट है वो भी आपको दिख रहा है, मतलब आपको पूरी फुल इमेज दिखाई दे रही है। तो इस पर्सन की इस मिरर में पूरी फुल इमेज बनती है जो आंख देख भी पाती है। तो इस कंडीशन में आंख देख पाती है, एच वाई टू वी का आपके पास क्या था, रिक्वायर्ड था मिरर जो दिखा सकता है इस आंख को, इस पूरी इमेज को मिरर के अंदर। तो ये हो गया भाई आपका सोल्यूशन, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताइए किसी ऑब्जेक्ट की हाइट एच है तो कम से कम क्या लेंथ होनी चाहिए मिरर की कि वो फुल इमेज दिखा सके आपको, तो एच बाई टू, उसके आधे के बराबर तो कम से कम होना ही चाहिए, उससे बड़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम मिनिमम जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, ये मिनिमम है, इससे कम पर दिखेगा नहीं, इससे कम पर आप फुल इमेज नहीं देख पाओगे, इससे कम पर आप आपकी जो आंख है वो मिरर में फुल इमेज देख नहीं पाएगी। तो भाई इस तरह से आपका था ये पूरा प्लेन मिरर के बारे में सारी जानकारी मैंने आपको दे दी, वेलोसिटी क्या होती है, किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होती है दो प्लेन मिरर से, एक प्लेन मिरर से। तो इस तरह से हमारा पूरा प्लेन मिरर जो खत्म हो चुका है, अब जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बनेगा वो स्फेरिकल मिरर पर बनेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।